जय हिंद साथियों, मैं कोच रविंद्र चौधरी, हरियाणा फिजिकल एकेडमी, कोटड़ी भीलवाड़ा। तो आज मैं आपको बताऊंगा 8 ऐसी वजह जिसके कारण आपकी रनिंग की परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज नहीं हो पा रही है। चाहे आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कोई गेम की कर रहे हो, चाहे कोई पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हो, तो 8 बेसिक रूल हैं वो आप फॉलो नहीं करते हो, जिसके कारण आपका हाथों का पोजीशन, पैरों का पोजीशन, बॉडी का संतुलन है वो नहीं बन पाता है। तो आज मैं आपको 8 बेसिक रूल बताऊंगा, आप उनको फॉलो करें, जिससे आपकी जो भी रनिंग की परफॉर्मेंस है वो अच्छी होगी। नंबर 1 रूल, हम वार्म अप करते हैं, वार्म अप से पहले हम स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं, जिससे कि हमारा जो मसल्स है वो अच्छे से काम नहीं करता। तो हमें वार्म अप से पहले और वार्म अप करने के बाद में हमें स्ट्रेचिंग करना है। स्ट्रेचिंग का वीडियो मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बता दूंगा कि कैसे स्ट्रेचिंग करना है। हाँ दोस्तों, शाम को जो अपन रनिंग करते हैं उसमें कोई ज़्यादा इतनी खास बात नहीं है कि हम स्ट्रेचिंग करें, अगर स्ट्रेचिंग नहीं भी करें तो भी हमारी बॉडी सारा दिन ठीक रहती है। तो शाम को चाहे आप करो या ना करो, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है। तो आपको सुबह अगर कोई भी वर्कआउट करते हैं तो उससे पहले हम प्रॉपर तरीके से अपना जो भी स्ट्रेचिंग है, जो भी वार्मअप है वो करें। नंबर 2 रूल, हम प्रॉपर वार्म अप नहीं करते हैं। मैंने कुछ वीडियो में देखा है कि कुछ लड़के खड़े खड़े वार्म अप करते हैं, तो हमें खड़े खड़े वार्म अप नहीं करना है। पहले हमें 4 से 5 राउंड वार्म अप के करने हैं, उसके बाद में हमारा जो वर्कआउट है वो स्टार्ट करें। जिनका रनिंग का परफॉर्मेंस है नहीं बढ़ रहा है, तो उनको मैं बता दूं कि उन लड़कों के अंदर आदत होती है कि वो वर्कआउट को बीच में छोड़ देते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है। वर्कआउट अगर हमको 5 रेपिटेशन के लिए बोला गया है तो हमें 5 रेपिटेशन ही करनी है, न कि हमें 3-4 करके छोड़ देनी है। तो आपका जो भी रनिंग का परफॉर्मेंस है, अगर आप इन रूल को फॉलो करेंगे तो आपका जो भी परफॉर्मेंस है वो बढ़ेगा धीरे धीरे। तो आप ये वर्कआउट है उन वर्कआउट को पूरा करें। नंबर 4 रूल, बॉडी का पोजिशन। जैसे कि हम रनिंग करते हैं तो हमारा पाँव सही नहीं चलता है, हाथ सही नहीं चलता है, तो हमें पाँव और हाथ दोनों को सही तरीके से अपने को चलाना आना चाहिए। कई लड़के क्या करते हैं, जब दौड़ते टाइम अपनी बॉडी को टाइट कर लेते हैं, कई लड़के अपने टोए पे दौड़ते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है। अपनी बॉडी को एकदम ऊपर से रिलैक्स छोड़ के चलना है, जिससे कि अपनी जो भी पोजीशन है, हाथ की पोजीशन है, पैरों की पोजीशन है, वो अच्छे से बनी रहे। रूल नंबर 5, वार्म अप से पहले और वार्म अप के बाद हम स्ट्राइड लगाएं। स्ट्राइड का मतलब होता है कि हम अपने पैरों को खोल के 70 से 80 मीटर तक स्प्रिंट करें। 70 से 80 मीटर ही अपने को एफर्ट लगाना है बॉडी का, ये नहीं है कि हम एकदम जोर लगा दें। तो अपने को स्ट्राइड रोज डेली करनी है, कंटिन्यू, सुबह भी और शाम को भी। रूल नंबर 6, कई लड़के क्या करते हैं कि मुंह से सांस लेते हैं, तो हमें मुंह से नहीं, मुंह और नाक दोनों से ही सांस लेना है। आपको 50% नाक से लेना है और 50% मुंह से लेना है। कोई भी बड़े से बड़े इंटरनेशनल धावक देख लो, चाहे वो दोनों मुंह और नाक से ही सांस लेते हैं, तो हमें मुंह और नाक दोनों से ही सांस लेना है। रूल नंबर 7, कि आप पेट की एक्सरसाइज नहीं करते हैं। पेट अपना जितना मजबूत होगा आप उतनी अच्छी दौड़ कर पाएंगे, तो आप पेट की एक्सरसाइज अच्छे से करें। रूल नंबर 8, रनिंग के बाद हम कूल डाउन और स्ट्रेचिंग नहीं करते, तो ये एक गलत बात है। आप रनिंग करने के बाद में हमारे बॉडी के अंदर एक एसिड होता है, वो लैक्टिक एसिड होता है, वो जम जाता है। तो हम अगर कूल डाउन और स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे तब तक वो जाएगा नहीं, अगले दिन के लिए हमारा जो मसल्स है वो रेडी नहीं होगा। फिर लड़के कहेंगे कि हमारे मसल्स के अंदर, पैरों के अंदर, घुटनों के अंदर, जांघों के अंदर दर्द हो रहा है सर। तो आप ये, मैंने जो आपको ये चीज़ें बताई हैं, आप इनको फॉलो करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।